मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इवल, इसकी जो फर्स्ट जो मूवी आई थी वो 2014 के अंदर आई थी। अब 2005 साल के बाद एक इसका सीक्वल आ रहा है। अब जो इसके अंदर स्टारिंग है एंजेलिना जोली, जिन्होंने मैलेफिसेंट का किरदार निभाया है, वो प्रोड्यूसर भी हैं इस मूवी की, और एली फैनिंग जिन्होंने अरोरा का किरदार निभाया है, हैरिस डिंकेंशन जिन्होंने राजकुमार फिलिप का किरदार निभाया है इस मूवी के अंदर। और इन तीनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तीन ही इसके अंदर ज़्यादा जिनके ऊपर फोकस किया गया वही लगे, इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी भी बहुत सारे करेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ ये तीन ही हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी स्टार्ट हम जो 2014 के अंदर मैलेफिशेंट की जो मूवी आई थी स्टार्टिंग से, वहाँ से होती कि मैलेफिशेंट यानी जो एंजेलिना जोली है वो एक जंगल में एक मोरे नाम से, एक मोरे नाम का एक जादुई जंगल होता है, मतलब वहाँ पे कुछ जादुई अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे वो रहती है। तो उस मूवी में एक इंसान से आई थिंक स्टीफन, मैं काफ़ी टाइम हो गया मूवी देखे हुए ये वाली, स्टीफन नाम से एक व्यक्ति होता है, उससे प्यार हो जाता है। वो एक लालची लालच के तौर पे प्यार करता है एंजेलिना जोली से उस मूवी के अंदर। फिर उसको वो मारना होता है लेकिन वो मारता नहीं है उसके, एंजेलिना जोली के बेहोश करके उसके उसके पंख काट के लेके चला जाता है। तो वो वहाँ से वो धोखा खाती है एंजेलिना जोली, तब तो अपने आप को वो कैसे बदल लेती है, इंसानों से वो कैसे अपने आप को दूर करती है, उनसे नफरत करने लग जाती है, वो मूवी वहाँ पे दिखाती है। लेकिन उसी मूवी में कैसे जो स्टीफन की जो बेटी होती है वो एंजेलिना जोली का जो मैलेफिशेंट है वापस कैसे उसके करेक्टर को फिर से वो रिडेवलप करती है, वैसे परिवर्तन कर देती है कि वापस उसको इंसानों की तरफ आकर्षित करती है, ये साथ ही साथ वो मूवी में वहाँ पे भी दिखाया गया। लेकिन इस मूवी की हम बात करें, इस मूवी में तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, मतलब कि मैलेफिशेंट पूरे के तौर पे ही मतलब सारे इंसानों को अपना लेती है। जैसे कि मैलेफिशेंट 2014 में सिर्फ वो अरोरा को ही पसंद करती है, और लेकिन जो ये अभी जो मूवी आई है 17 अक्टूबर जो रिलीज़ हुई थी, इस मूवी के अंदर वो सारे ही इंसानों को, मेलेफिशिएंट जो है वो सारे ही इंसानों को मतलब एक्सेप्ट करती है कि वो अच्छे हैं, कुछ एक इंसान जो हैं वो बुरे होते हैं लेकिन सारे इंसान बुरे नहीं होते। अब इस मूवी के बारे में मैंने जो पढ़ा, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि काफ़ी सारे इस मूवी को कुछ और एंगल से देख रहे हैं, कोई और मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन जो मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने इस मूवी को देखा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो मूवी जो होती है ना वो हमें एंटरटेन करने के लिए ही होती है, या तो मूवी देखने जाओ एंटरटेन होने के लिए, ना कि हम उससे कुछ गलत चीज़ सीखें, हम उससे कुछ अच्छी चीज़ सीखें। जैसे कि अगर आप इस मूवी को देखोगे, इसका सेकेंड जो पार्ट आया है, कैसे कि एक मोरे जो एक किंगडम होता है, मोरे किंगडम होता है, और जो ह्यूमन किंगडम होता है वो कैसे आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, क्योंकि मोरे किंगडम में कुछ ऐसे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि वो ह्यूमन किंगडम से मतलब कि इंसानों के जो जो राज्य हैं उनसे लड़ाई करें, उनके ऊपर विजय हासिल करें। वैसे ही जो है ह्यूमन किंगडम में कुछ एक ऐसे करेक्टर होते हैं वो जो चाहते हैं वो मोरे के ऊपर अपना कब्जा करना, कुछ एक ऐसे ही करेक्टर होते हैं जिनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिनके कारण ऐसी थॉट्स एनवायरनमेंट में आता है कि लोग ना चाहते हुए भी उसके अंदर फिसल जाते हैं और लड़ाई के माहौल में उसमें फंस जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। जो आजकल मैं इससे रिलेट करना चाहूँगा, जो देश में जो होता है, हमारे देश में जो होता है कि काफ़ी सारे ऐसे सोशल जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कुछ गलत बोल देते हैं ऑडियंस को, या फिर जनता को, भोली वाली जनता को, वो कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन उनकी वो आदत से वो मजबूर हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे ही करेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, वो भड़काने की कोशिश करते हैं एक कम्युनिटी को, दूसरी कम्युनिटी से, डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट रिलीजियन को। तो वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए, ये मूवी हमें वो भी दिखाती है कि भाई हाँ कुछ एक ऐसे करेक्टर होते हैं, हर जगह ही होते हैं, कि वो आपस में दोनों जगह को भिड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। देखो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी को देखने का। बहुत सारे जो जो लिबरल जो कहते हैं लिब्रांडू, वो इस मूवी को बहुत ही अलग ढंग से देखते हैं। वो मैं वो शेयर भी नहीं करूँगा कि मेरे मेरे
मतलब कि मैं अपने मुंह से वो चीज़ें बोलूं और आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचे, मैं वो चीज़ शेयर भी नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मूवी को जब भी कोई देखने जाए तो एक जो बच्चा होता है, क्योंकि डिज्नी की मूवी है, काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं इससे कनेक्ट होते हैं, वो इससे बहुत कुछ सीखते हैं इस डिज्नी की मूवी से। उनके अंदर एक थॉट डेवलप होता है, तो वो थॉट जो होता है वो एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। जैसे कि इस मूवी से आप अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि कोई गलत चीज़ें सीख के इस मूवी से जाएं। हाँ, दिखाया गया है कि हाँ, एक एक आधे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से माहौल गड़बड़ा जाता है, तो हमें वो पहचानने चाहिए, हमें उन लोगों को, उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें हमेशा भाईचारे और कि भाईचारे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, कैसे हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना है, ऐसे हमें मूवी को देखना। देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, जैसे मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ वो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेशक वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकता है। अगर मैं दोनों मूवी की बात करूँ, फर्स्ट जो 2014 के अंदर आई थी और जो अब 2019 के अंदर आई है, मुझे दोनों मूवी काफ़ी पसंद आई हैं। ग्राफिक्स बहुत अच्छी हैं, एक्टिंग की तो क्या बात करें, एक्टिंग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी हैं दोनों ही मूवीज़ के अंदर। और आप लोग ये मूवी बेशक हंसी हंसी देख सकते हैं, बहुत अच्छा सीखने को मिल जाएगा इस मूवी से अगर आप पॉजिटिव व्यू लेके जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये रिलीव भी करेगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, एक कैसे एक एवल की जो रानी होती है वो कैसे अपने आप को चेंज करती है, कैसे अपनाती है लोगों को, कैसे कैसे फैक्ट उसके अंदर दिखाए जाते हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे देख के। कुछ नया तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ इसमें कुछ बहुत कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन ये जो दिखाने की कोशिश की गई है वो आप एक नए नए नज़रिए से देख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो इन दोनों मूवीज़ को देखो, मैलेफिशेंट काफ़ी अच्छी है मूवी मुझे लगी, लेकिन अभी सेकंड की बात करेंगे, मैलेफिशेंट मिस्ट्रेस ऑफ हेवन, इसको मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 stars। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो जाके देखिए, पैसा वसूल है ये मूवी। बाकी जब मैंने इसके बाद लाल कप्तान देखी तो मेरा दिमाग ना लाल ही हो गया इसके बाद। उसका भी रिव्यू मैंने कर दिया है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं, मैं इसी चैनल पर मौजूद हैं। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।